नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको पत्ता गोभी एक नए तरीके से कैसे बनाई जाती है वो बताने जा रही हूँ। इसका नाम हमने दिया है दही वाली पत्ता गोभी। तो चलिए देखें कैसे बनती है ये। दही वाली पत्ता गोभी बनाने के लिए हमें चाहिए एक छोटा पत्ता गोभी, जो कि मैंने काट के धो के अच्छे से रखा है। आधा कप दही, जो कि मैंने फेंट के रखा हुआ है। किचन मसाले, कसूरी मेथी, मोटा ग्रेटेड लहसुन, अदरक पिसा हुआ, हींग, मोटी कुटी काली मिर्च, जीरा पाउडर, जीरा और दालचीनी। ये मैंने 2 टेबल स्पून से थोड़ा ज्यादा मस्टर्ड ऑयल रखा हुआ है। ऑयल गरम हो चुका है, इसमें मैंने डाला हींग, जीरा, लहसुन और अदरक। अब डालूंगी हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये डाल देनी है पत्ता गोभी। इनको गलाना नहीं है, इस पत्ता गोभी को जब 80% पक जाएगी तभी हम दही ऐड करेंगे इसमें। अब हम इसको ढक देते हैं और 80% इसको पका लेना है। बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी ये सब्जी हमारी। जब तक पत्ता गोभी हमारी गल रही है तब तक हम इस दही को तैयार कर लेते हैं। दही में पानी मिला के मैंने इसको थोड़ा पतला कर लिया है। इसमें अब हम डालेंगे ये भुना जीरा पाउडर, कुटी हुई काली मिर्च और दालचीनी पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। पांच मिनट हो चुका है, सब्जी चेक कर लेते हैं। सब्जी भी जैसी मुझे चाहिए वैसी तैयार हो गई है। इसको बिल्कुल गलाना नहीं है। चलिए अब हम इसमें दही मिलाते हैं। धीरे धीरे चलाते हुए दही डालना है, लगातार चलाते रहना है। और जब तक एक उबाल ना आए इसको आप चलाते रहिए। ये देखिए पत्ता गोभी में उबाल आ गया है। अब इसको हम चलाना बंद करते हैं और इसी समय हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी और गैस को बंद कर देंगे। ये लीजिए हमारी दही वाली पत्ता गोभी तैयार है। लेकिन सर्व करने से पहले हम इसको जो है एक तड़का देंगे। चलिए तड़का लगाते हैं। ये डाला सरसों का तेल, ये डाली राई और जीरा, इसको ढक दिया, गैस कर दी बंद। इसमें डाली लाल मिर्च पाउडर और इसमें लगा दिया तड़का और ढक दिया। थोड़ी देर तक ढका रहने देना है। ये लीजिए हमारी दही वाली पत्ता गोभी तैयार है। देखिए बिल्कुल मैंने पत्ता गोभी को नया टेस्ट दिया है। है ना बिल्कुल नए तरीके से, नए टेस्ट के साथ पत्ता गोभी। एंजॉय कीजिए।